बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरफदारा अरा कना शेर अटकने उरेंगे अरा कना शेरन पेशन उरेंगे अरा बलुस्तान टूरेंगे अरा बलुस्तान पेशन उरेंगे और अरा पाकिस्तान टूरेंगे अरा पाकिस्तान पेशन उरेंगे ई कुले ईद लुमे संगत साथी दोस्त अजीज़ अखस के हम ननी उरे रहे नना प्रोग्राम दोस्त के रहे ई आजीव नस्लैडी तेना प्रोड्यूसर न जमाल तरी नने मगा तेना प्रोग्राम अठे कुले बखैरत पावे। शरफदारक एनोना मौजू अंदोने के मौजूदा आलत के अरा चलेंगे और अरा इरा साल के ननगिदरे फिन अरा मर्जन अरा वबान के ननगिदरे फिन शरफदारक ज़ाहिर ओ कुल नुम वाकिफ उरे ओना हवाला थे तो अरा के ननगिदरेंगा नुन बाजेंगा केरे नना जवानेंगा दोस्त अजीज़ा शायद दा दुनिया ठे अफस ओ अमो इन्फेक्शन ना अमो वबा ना केरे गुआची मसूर ओ दा दुनिया इलार तो अंदा हवाला थे एनो ना मौजू शरफदारक तो कोशिश अंदा दे इंशाल्लाह करे कना बैठक अट क्यारा मेहमान तो साड़ी हो उता बाजी मशकूर उठ के बाज तेना वक्त कशार और दा इलो अन इलावा हम करे बसुर कने टाइम ते सुर यूता बाज मिन्नतवार उठ। शरफदारक तो मौजू नना एनो दा दे के वबाई अमराज यानी कि अरा वबा इन्फेक्शन अरा के मरे एक दा दुनिया ठिके चलेंगा अन उनके असे मिसाल असे के कोरोना वायरस के नन बल्लो असे नन इल्लो असेन गिदरेंगान यानी असे मुश्किल वक्त असेन करे पाकिस्तान गिदरेंगा पूरा दुनिया गिदरेंगा तो वो हवाला थे मची गिरास नन गुफ्तगू के ने कन तो कना मेहमान साड़ी हो यू था नुम तो तारुफ हम केवे अवली को मेहमान अरा कन तो यका साड़ी मरेक ऊना बाज मशकूर उठ उतना वक्त का शेख हालांकि उतना तालिब इलम ख्वान फिकम ओके बावजूद हम कन तो बरेक द बैठक अठे द बैठक जेबा के क्यों नवाज मशकूर उठ अवली को कना मेहमान मुफ्ती इरशाद अहमद मुफ्ती साहब नुम जवान हो रहे तबीयत नुमा जवान है मिजाज तालीम जवान है तालिब इलम जवान हो जबरदस्त जजाकल्ला। शरफदारक हरा कि ईद मानेंगे वबाई अमराज ना हवा लटे कन तो एनो ई बाज मशकूर उठ डॉक्टर साहब ना डॉक्टर एजाज बुजदार साहब कन तो कना प्रोग्राम अट साड़ी है यू ना बाज मशकूर दा वजान के उ तेना करे कीमती अब वक्त कशा वो करे अरा खिदमत के ओ करेंगे वो कुल्लन बावजूद हम नने तेना कीमती या टैम ते सुने यू ना बाज मशकूर उठ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एजाज बुजदार साहब आप खैरियत से? वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? ठीक है तबीयत ठीक है हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आप अपना वक्त निकाल के अपना कीमती वक्त हमें यहाँ दे के हमारी बैठक में हमारे प्रोग्राम में आप आए हो और जिस हवाले से आप आए हो आप टाइम निकाल के हालांकि शरफदार डॉक्टर साहब कह रहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से चुना था कह रहे स्पेशलिस्ट हैं वो चुना थे और ओ ना कह रहे अरा की खिदमत को सी ओ पंच साल ना सिविल हॉस्पिटल अटी कह रहे वो सी ओ पंच साल ना कह रहे तेना खिदमत तिनेंगे और वो चुनाते अनुन ट्रीट के यानी अनुन और एक कि अनुन ओ ना जिंदा ना चुना को शरफदारक वो कह रहे असिदा इंसानियों अनुनो खिदमत करेंगे कि नंग के वो रोल मॉडल है बल्कि नना नना शेयर के नना मुल्क के नना बलुस्तान के नना पाकिस्तान के वो रोल मॉडल हैं नन अमोड़न एनो करे तिना स्क्रीन तिना बैठक नन ख्वाहिफिन उनते शरफदारक ताकि ऊना तारुफ हम मरे और ऊना खिदमा तक नना कुलना मोना बरे शरफदारक और शरफदारक असे वक्त से इतफाकन करे ई अना ऊना वार्ड टी नाट तो चुना था कि अरा वार्ड मरिक ई अमोड़ी नाट यू डॉक्टर साहब तो कना करे मुलाकात मस तो डॉक्टर साहब ना खिदमत तक दा दो शरफदारक की ई अराठी मैनाट ओड उराट अराड़ की दवाई का सुर दवाई ता इलावा हम कह रहे ओडे चुना था कुनों का पास का मसुर यानी कि अरा डब्बा वाला पास भरे रहे ओगम तिखो का सुर तो इतफाक़न ये शरफदारक ये रफे डॉक्टर साहब अन के डॉक्टर साहब दा आया माजरा अन थे दाना वाल तो डॉक्टर साहब तो कना गुफ्तगु हम मसक की पार्टी भाई डॉक्टर साहब दा थे नुम तिखान उरे दा थे नुम अरा का तेरे तो डॉक्टर साहब ना से बास प्यारा अल्फाज असस से अंदाज अस गुफ्तगु ना सो पे भाई अल्लाह पूरा केक था कहना तो ऐसे कोशिश असे ई कह रहे सिर्फ इंसानियत ना खिदमत करनी हो तो अरा का पूरा केक बेशक रब ना जात पूरा केक था तो पानिंग ना मकसद दादी शरफदारक के ओ मेडिसन दवाई तो अवार करे ओ पासम मोया केक तेना कुंडन
कि अरा गरीब हो अरा केरे मुस्तैक हो अरा केरे एफोर्ड करने का पसे अरा पास अलिंग का पसे एनो पगे शरफदार समय नुमे कि असे डब्बा से अगर आम डब्बा से कि कंपनी सस्ता हो कंपनी से हम कम से कम उन्हें कीमत 1400 या 1500 मरोए तो आम गरीब इंगा बंदा अरा का पूरा करने के तो दा वाले शरफदारा कि इंशाल्लाह गुफ्तगू मरिक तो मर्ज ना वाले या अमराज ना वाले या वबा ना या इन्फेक्शन ना वाले के इंशाल्लाह ईद मरे कर तो नन करे अवली को करे दीनी हवाला ठीक है रा मसला आक मरे रे अन तिलोई तो ओ हवाला ठीक है रे असि चुंको हदीस ना मफहूम से इनमा खिदमत पेश के वते अन उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई फिक कि अराड़ के इंसान करे अगर ओ इन्फेक्शन अन ओ वबान करे अगर ने इन्फेक्टेड उस यानी ने अमो मर्ज रे यानी अमो तकलीफ अन गिदरेंगे उस तो निदा कोशिश कर नी पेन जागस इन पे अगर पेन जागस नी खनिंग उस कि ऐ डरे तो ओडन कह रहे नना दीन इस्लाम नना नबी पाक इस्लाम कह रहे मना फरमाए फिक के नी उड़े पे ताकि असे लो अन कह रहे नन तकलीफ मफन दासी इंसानियत ना बाज बलो दर्स से इबरे व अवली को तिना मेहमान नकुंडा मुफ्ती इरशाद अहमद साहब नकुंडा मुफ्ती साहब नुम दा पारे के अरा के मर्ज मरिक वबा मरिक यानी वबाई अमराज के नन पाना थे या मर्ज पाना थे तो ओ हवाले ठीक है राठी मके इन्फेक्शन के मरिक यानी वबा फैलाएंगे असिटस के इन्फेक्ट मरिक तो ओ हवाले ठे नुम गिड़ास करे हदीस ना रोशनी ठे कुरान और हदीस ना रोशनी ठे करे अंत नुम करे रसना ने पारे और करे आखिरी जमाना ना हवाले ठे हम पारे कि दा वबाई के राठी मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फरमान मसूने ओ हवाले ठे हम गिड़ास रोशनी शागिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्लिहु व नसल्लम अला रसूलिल करीम أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم جزاك الله بشك أجي صاحب دا كنم بار وبان بارات دا تي نبي پاك علیہ الصلاة والسلام فرمائے فين کہ اراك وبا پھیلائیں گے دانا ارا صورت تو دا دے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام ارا حکم ترسون ارا حدیث شریف پہلا حدیث شریف تو دا دے کنم پانا کدا वबा मोन फैलाएंगे असिट के मर्ज लगा ओडन एलो ही लगे दाना बार नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम फरमाए फेने तो नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम फरमाए फेने ला अदवा वला तियारत यानी इच बीमारी इस दुनवाफ के ओ बजात खुद ओ न तटीदा तासीर मरे के ओ एलो ही लगे एलो असर मरे तो दाडन दाम सक के बाज अंदरो ना ज़ईफ अंतर ज़ईफ ईमान इंसान रे बंदा कर के ओ दा समझे रखे भाई यानी इच मफक यानी बाज़ अकदा समझ रखे भाई दा मोना फैलाएंगे दा न फैलाएंगे ना अंत वजह तो ओफ तक नबी पाक अलैहिस्सलाम पद मोना हुकुम तिस नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाए फे के पद फरमाए फे रा जागा के मजजूम असनुम खना रे जी मजजूम मर्ज पार नना ब्राउट पार द त्रिंजुक अरा के त्रिंजुक सोरो को त्रिंजुक यानी दाड़ तो या खारिश मरे क्योंकि कसे खारिश मरे के और दाना पेश तम दोनों मरीज अस खना रे तो ओ नरिया इनिंगा परेज कबो ओ नरिया इनिंगा दोने दों की नी शेर असे नमोन तने बेटा तो दा इरा हदीस शरीफ दरमियान बसुर असिट तो दा बरे के बैने मतलब बीमारी मुंतकिल मफक इरट में दा पा एक नबी पाक अलैहि सलातो वसलम के नी राजा बीमारी मरे एक मर्ज वबा बरे के नी ओना खुड़ कैंपा तो दाफ्त दरमियान तदबीक ने नमारे थे ना मुताबिक दाफ्त दरमियान नमार मुदा तो तजाद बसुर आला नबी पाक अलैहि सलातो वसलम ने हदीस शरीफ ते तजाद बफक तो उलमाए किराम के मुहदिसिन के पदमों ने लिखानो के नबी पाक अलैहि सलातो वसलम ला अदवा के पारे ओ न दा सक के बजात खुद बीमारी ने जिन दर दा असर अफक के ओ एलो अलग गे लेकिन ए पाक अलैहि सलातो वसलम फरमाए फे तने बच फबो दा वजरन के दा सबब जोड़ मनन के किनी कासा कस मरीज असनरिया दा सबब मनन के जाहिरी सबब मन के किनी ओत दूसोस बश महसूस अमो मर्जना असे ने लगा ने बस लगा लगा ओ न वजह रजियो ने ओ मुंतकिल मरे बरेक तो दा दा और इरटमी दा स के नबी पाक अलैहि सलातो वसलम फरमाए फे के मतलब दा बीमारी मुंतकिल मरे तो ओ न दा स कितने बच्चे बो बचफिंग नावालत नबी पाक अलैहि सलातो वसलम ने फरमाने के ताउदों के असियादी शरीफ बस बयान के बनी सकीफ ना तेनत नबी पाक अलैहि सलातो वसलम हम तने दागड़ागन मुर्तखाने के बनी सकीफ ना से वफदस बस मजमास बस नबी पाक अलैहि सलातो वसलम ने बारगट तो ओफते न से अंदनो शख्स सस के ओ बीमारी है सका ओ दे अंदर त्रिंजो का सका जी तो नबी पाक अलैहि सलातो वसलम एलो कुल तो दू मिलाए फे लेकिन ओ बंदख तो दू मिलाए तो ओ दे पारे कि नी इनक तने रागतुल इन बियत करे नबियती कबूलम करे सुभान अल्लाह
जी बिल्कुल अरा के हदीस शरीफा को जी या कुरान पाक बरे मर्ज वबा है वो फैलाएंगे कि बिल्कुल जी तो अरा दरस के नबी पाक सल्लम थी बेशक तो शरफदारा के पानी ना मकसद दादे कि नबी पाक सल्लम दान के ओ तो दू मिलाइफ तो या इलो कतो सिर्फ ननी दा दर्स तिनिंग के कि गड़ास बीमारी अंदनो कि अगर नन दू मिलाइफिन या उर्तु तूलिन या उर्तु गड़ास कुने या अंदनो तूलिंग अस मरे या गड़ास होना जर्रस नने या लगे तो दा अस कने अगर बस कने हम पद मुफ्ती साहब अल्लाह मनते या डॉक्टर साहब अल्लाह मनते या मोना कस्य काइक तो अमोड़न करे नबी पाक सलम दा अर्तोमा पहलू ते नने दर्शतिस कि आया कि नुम दा डन करे इन्फेक्शन करे तेनट मर्ज करे पहला पक लेकिन असे कुंड से अंदुन मरे कि असे लोअन लगिंग हम केक तो अंदुन शरफदारक ई बरे वतना मेहमान न कुंडा डॉक्टर साहब न कुंडा और ओडन ये अर्रफ वे कि दा वबाई अमराज ना वाले टिम गड़स न पार और करे दाम दाम न नहीं पाए ओ डॉक्टर साहब अंदा अर्रफ ने कि भाई दा इन्फेक्शन आके एनु पग पास पहलाएंगे गो खास कर चुना थिटे या पीरिंगा थिटे या न्याड़ी थिटे तो ओ हवाला टेम ओ हवाला टेम करे नन इल्लो की ने और दाम अरिफ ने कि शायद दा ज़्यादा मत सुनो तो अंत से ज़्यादा मत सुनो। डॉक्टर साहब पहले तो हम आपका बेहद मशकूर हैं कि आप इतना वक्त निकाल के कीमती वक्त निकाल के आप हमारे पास आए अपना सब कुछ यानी अपना टाइम दे के हमारे पास आप यहाँ बैठक में तशरीफ़ लाए हम आपके बहुत मशहूर हैं। तो डॉक्टर साहब अगर आप मुझे ये बता दें कि जैसे आप कोरोना वायरस एक बड़ा मिसाल है हमारे लिए तो इस हवाले से आप वबाई अमराज या उसके हवाले से आप थोड़ी सी रोशनी अपने उसमें डाल दें। डॉक्टर साहब मेहरबानी आपका। असल मसला ये है कि वबाई अमराज जो हैं वो तो हमेशा से जब से इंसानियत का तारीख अगर उठा लें जी तो वबाई अमराज चले आ रहे हैं बिल्कुल और हर वक्त के अपने दौर के वबाई अमराज रहे हैं। अभी अगर मौजूदा सूरत हाल हम देखें मैं ख़ासकर चूँकि बच्चों को माहिर हूँ जी तो उस हवाले से बात करूँगा जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनको वबाई अमराज जो लगते हैं वो कुछ हमारी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से उनको वबाई अमराज का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल मैं इसकी मिसाल यहाँ से शुरू करूँगा। जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसको वबाई अमराज से बचाने के दो ही तरीके हैं। पहले तो माँ का दूध है जी। कहते हैं कि वबाई कुछ ऐसे अमराज बहुत सारे हैं जो अगर बच्चा अपने माँ का दूध पीता है तो बहुत सारे वबाई अमराज से बच जाते हैं। बच जाते हैं बेशक। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हमें अभी तक 10 ऐसी वबाई अमराज की हम रोकथाम कर चुके हैं और वो हिफाजती टीकों के लिए है जी। अब ये दोनों को अगर हम मिला के देखें तो ये दोनों हमारे माशरे में इनकी कमी होती जा रही है। पहले सारी माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया करती थी जी बिल्कुल तो बहुत सारे वबाई अमराज उनको नहीं लगते थे। अब इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें से 100 में से खाली 20 माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं बाकी सारे बच्चे डब्बे का दूध पी रहे हैं। जी डॉक्टर साहब आपसे सिर्फ एक छोटा सा गुजारिश ये कि ये जो आपने गुफ्तगू कही अगर आप बलूची में बता दें ताकि हमारे जो माँ बहनें जो देख रहे हैं हमें जो हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं हम उनके मशहूर हैं अगर आप बलूची में कुछ यही अल्फाज अगर अदा कर दें ताकि उनको भी थोड़ा सा समझ आ जाए। आप आपके मशहूर हैं डॉक्टर साहब। मसला बेशक मैं नी के वक्त मैं ये वबाई अमराज कहते हैं जी ये ज़्यादातर मैं ख्याल करने को कि दो वजह से पैदा भी है या कहते कि हमारे वक्त के गुंडू पैदा भी आए हक के कुरान शरीफ में नियामात के मुफ्ती साहब निश्त गए कि 2 साल तक का कहते हैं आए हक के आती माँ से शीर माँ से शीर आई मिली जी। लेकिन मसला हमेशा कि 7 मास कहते हैं आए सिर्फ और सिर्फ 20 मास कहते हैं वसीवती शीर दी गए बाकी अस्ताद कहते हैं आए यार डब्बा और शीर मिले गए
दुम्मी कहते हैं कि मैं ये वबाई अमराज वास्ता कहते हैं टुक्का जनोगों दा बीमारी हमें वास्ते कि आई वास्ता मुफ्त गवर्नमेंट टुक्का जती आई वजह वबाई मर्ज पैदा नहीं जी डॉक्टर। लेकिन हर दोए शय कहते हैं आई ये माँ बिल्कुल हमें खर ख्याल चिन खनगों ना माँ हमें खर टुक्का जनेगों आए टुक्का जनेगे तकरीबन तकरीबन आई ये रेशो तो हमें करें तकरीबन 20-25% जी हाँ मखलूक भाई टुका जने आई है तो तहमात हैं ए भी ए तफ भी ए फलाना शह भी मखलूक के इल्म में कमी की वजह से हमारे हमारा मसला पैदा जी, भी गए जी ए, और ज़्यादातर हाँ वबाई मर्ज हमारी तो का ज़्यादा भी कि हाँ माँ से शीरचिन वार थे जी बिल्कुल माँ से शीरचिन वार आई है कुत मुदाफ़त के हंसते हैं आई हमें कर ताकत नहीं कि भाई अमराज कहते हैं आई मुकाबला खत सही बिल्कुल ज़्यादातर मसला हमें भी है सर बाज़ मिन्नत वार डॉक्टर साहब शरफदारक तो डॉक्टर साहब अंदा पानेंगे कि क्या राठे मचुना पैदा मरिक वो अवली को दे अन कह रही 5 साल इसका वो न कह रही अरा मर जोड़ा यानी कि इन्फेक्शन मरिक या वो दे अटैक केक अंदा वजान अटैक के कि ओ टेमा कह रहे पैदा मरे ओ ना कह रहे कुत मुदाफियत अरा कि ताकत मरे कि इंसान ना कह रहे तेठी अल्लाह पाक पैदा करे नहीं तो ओ हवाले टी शरफदार रख के ओ दे अटैक एक और अगर अल्लाह पाक कह रहे अनु निज़ाम अस करे नहीं लुम्मा ना पास से कह रहे अनु ताकतवर करे नहीं शरफदार रख कि वो कई हाँ कह रहे मर्ज यानी कि कई हाँ वबा के कई इन्फेक्शन आते कह रहे ओ अल्लाह ना कुंडन अल्लाह ना उकमट के रे उड़न बचें के रे तो असि दा बल्लो असि पैगाम असि के ईड लुमत के नुमतना खुराकम जवान कबू ताकि चुना या मुखिजा सर मरे अमो ताकत सर मरे अमो खुराक सर मरे ताकि ओड़ा के रे इन्फेक्शन बास कम असर के तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बेहतरीन आपने जिस तरीके से आपने अर्ज़ किया आपने फरमाया तो इस हवाले से कि आप डॉक्टर साहब ये बताए कि बच्चा आप कितने फ़ीसद बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं या इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं या तो फिर जिसे हम कहते हैं ना कि मोशन वगैरह लग जाता है या कुछ क्या वो भी इस वायरस के हवाले से होता है या वो खुराक के हवाले से होता है या वो माँ के दूध की वजह से डॉक्टर साहब अभी इसमें मैं सिर्फ अगर आपको दस्तों की बीमारी का बताऊँ जी तो उसमें यह होता है कि अगर एक बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है उसको पहले 1 साल के दौरान दस्तों की बीमारी हो सकता है 1 या 2 दफ़ा हो जी लेकिन जो डब्बे के दूध पर होगा उसको कम से कम 8 से 10 दफ़ा दस्तों की बीमारी होगी बिल्कुल बिल्कुल तो अभी आप खुद अंदाज़ा करें कि जब एक बीमारी साल में 2 दफ़ा होती है और वही बीमारी साल में 8 या 10 दफ़ा होती है तो हर किस्म के खतरात बढ़ जाते हैं जब 8 या 10 दफ़ा वही दस्तों की बीमारी होगी तो मुख्तलिफ किस्म के इलाज होंगे और बच्चे की ताकत कम होती जाएगी बच्चे को खुराक नहीं मिलेगी उस दौरान तो बच्चा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है इसी तरह से 6 महीने के बाद जो है ना जिन बच्चों को ग़िज़ा नहीं मिलती है उनका भी यही मसला होता है कि वो ग़िज़ाई कमी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं तो उन पर मुख्तलिफ बीमारियाँ ज़्यादा अटैक करती हैं बनिस्बत उसके एक सेहतमंद बच्चे से बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब मज़े की बात ये है कि आप ये बताएं बच्चा तो मुंह से तो नहीं बता सकता मुझे ये तकलीफ़ है ज़ाहिर है या छोटा सा बच्चा हो या बच्चे हो तो वो तो ये नहीं बता सकती कि मेरे अंदर ये तकलीफ़ है या ये आप मुझे थोड़ा सा राज की बात ये बता दें कि आप कैसे बच्चे को आप देख के पहचान लेते हैं कि बच्चे के अंदर ये तकलीफ़ है या मोशन है या खुदा न खास्ता उसके हड्डियों में दर्द है या बुखार है इस हवाले से थोड़ा सा ये राज हमें भी बता दें ताकि हम भी थोड़ा सा एहतियात करें ये बहुत ही बड़ा आपने टेक्निकल सवाल किया है बच्चों की जो डॉक्टरी है जी डॉक्टर वो बड़ों की डॉक्टरी से बहुत ही मुख्तलिफ है बिल्कुल क्योंकि बच्चों में जो बीमारियां होती हैं वो वाली बीमारियां भी होती हैं जो बच्चा पैदाइश से पहले लेके आता है यानी माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है वो बीमारियां भी होती हैं और जो बड़ों को बीमारियां होती हैं उनको वो बीमारियां भी होती हैं लेकिन बच्चों की अलामत जो है ना वो ज़्यादा 5-7 से ज़्यादा नहीं है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा या रोएगा या
यानी डॉक्टर साहब, या वो रोएगा या उसको तकलीफ होगा शदीद, बर्दाश्त करेगा और वो बता नहीं सकेगा। हाँ, बता नहीं सकता है। चंद एक अलामत वही होती हैं, ठीक है ना, कि भाई बुखार हो रहा है उसको, खांसी हो रही है उसको, ठीक है, बिल्कुल, या कभी कोई जरकान हो गया उसको, बिल्कुल, इस किस्म के मसाइल होते हैं। तो फिर ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होता है इंसान का जी, तो उसी से ही फिर, जैसे एक मैं आपको सादा सी मिसाल दूँ, हमारी कोई गाड़ी ख़राब होती है, हम गैराज ले जाते हैं जी जी, तो मिस्त्री खाली एक स्विच लगाता है और उसको पता चल जाता है कि कहाँ पर उसकी ख़राबी है। बिल्कुल। तो हम बिल्कुल। भी बच्चे की रोने की आवाज़ से और पहचान सारी लेते चीज़ों हैं को उससे हम पहचान लेते हैं कि भाई अभी मसला यहाँ पर हो रहा है, और उसके बाद फिर टेस्ट आते हैं और दूसरी चीज़ें आती हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहले देख कर ही उसको। माशाल्लाह, आपका वैसे भी आपका 35 साल का तजर्बा है, तो ज़ाहिर है उसमें काफ़ी हद तक आप सीख भी चुके हैं और काफ़ी केसेस आपने डील भी किए, तो ये भी तो आपके लिए एक्सपीरियंस, बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मुफ्ती साहब की तरफ, मुफ्ती साहब नकुंडा बरे न शर्वदा रख, तो गड़ास करे अदीस ना आवालटी क्यारा मर्ज चुनाई लगी, या लुमा न पिड न कुंडन बरेक, या बाबा न कुंडन बरेक, शर्वदा रख असीदा कुदरती असे अमल से कि चुना के रेराठी मर लुमा न पिड अठ मरेक, यानि इन्फेक्शन अस लुमाई मरे तो चुनाई हम लगे, तो दा अवालटी हम गड़ास करे अदीस ना और कुरान ना अवालटी मुफ्ती साहबन के रे अरिफे ने। मुफ्ती साहब तो नुम दा पाबू कि अंदा ईद अरा के डॉक्टर साहब पारे और बेशक अरा आके सच्चे अल्लाह पाक अरा निज़ाम जोड़ करे ने, और अरा दर से नबी पाक सल्लम ते सुने बेशक वो अक और सच्चे, तो दा अवालटी करे नो मुफ्ती साहब पाबू के इन्फेक्शन के अरा कुरान अदीस ना अवालटी वो ज़्यादा असर करे कुलन ज़्यादा देर की जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए फिक ज़ाहर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, के अखस के ज़मीन थर्री मरे चाहे खुश्की मरे, ओड़ा के फसाद अक ज़ाहिर मरे रहा, फसाद तो मतलब दाड़े वबा मनेंगे, यानी वबा अक ज़ाहिर मरे रहा ओ अंत वजह से मरे रहते ना जिंद न दूता वजह का, बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ी कौम, तो ओफ्ता नुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नुमे पदा ओ मर्ज़त या मुबतला के ताकि नुम ओना ज़ायका यलबो, ताकि नुम उर्बो के अमर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नुमे नेमत तिस नुम और ओफ्ते अमर इस्तेमाल करे ना शुक्री करे रे और दास नुम अल्लाह याद कबो। अगर दा चुनास कस से न बीमार मरिक, या कस से इन्फेक्शन लगिक, या कस से जिंद मरीज मरिक, ओ कुल्ला ता मसला अंते ओ ना जिंद न दूता ना जिंद ना शुक्री न वजह का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर कस से बीमारी सते एक मुसीबत सते एक बला सते चुनास अंधो के दादा और बाज अंधो मरे के मतलब अलुमा को चुना इतने संभालें का पसा अक्सर नन खने नना इलाका का अंधो मरे के पहला चुना के पैदा मरे ओ मना वक्त हम पदोर तक के ओ दा दुनिया का कायक वफात मरे ओ ना वजह अंते ओ दाद के अमो लम्मा बावाक ना शुक्र मरे रहा और एलो चुनाना अमो तेना ख्याल का पस अरा के कुरान हदीस ओना बारा का पारे ने के चुनाना ख्याल करो, ये यानी दों के डॉक्टर साहब अंदु पारे अंदु कुरान पाक ना हुक्म के चुनाए लम्मा तेना इरा सालिस कन उतना अंत पाल ले देता। अगर एनो पग्गा ननुरे एचो बास कम अंदु नरे के उतना जिंदा ना पाल लेते रहता जी, दान वजह का पदा ओफ्ता दिमाग जहनी कमजोरी मरे, दाफ्त वजह का पदा ओ मरीज मरे रहा, बीमारी ने शिकार मरे रहा, और अंदान वजह का पदा ओ अक्सर दा दुनिया का खा रहा। बिल्कुल बिल्कुल शर्फदारक बिल्कुल अंदा ई थे कि इंसान के अल्लाह पाक के रा निज़ाम पैदा करे ने और अरा ताकत के लुमा न पास लड़ते खान शर्फदारक, बेशक वो कह रहे अगर असे मर्ज से तो वो पास करे वो दे मर जन्म करे वो दे बच्चे फिकनन असे कॉल से ना कुंडा बारे ने। अस्सलाम वालेकुम, पीटी बोलान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाइट देर इत के सरा के इत के से आ जी मैं बात कर रही। जी जी मुझे डॉक्टर भोपाल ने तरफ से बात करनी थी। जी मेरी बहन, थोड़ा सा आप जोर से बोले ताकि हम तक आपकी आवाज़ आसानी से आ जाए। जी जी मैंने कहा मुझे भोपाल साहब से बात करनी थी। जी जी डॉक्टर साहब से मैंने बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा किया था कि ये आज चैनल पर इन्होंने लोगों को सारी अवेयरनेस पैदा की,
जी जी और सबसे पहले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे डॉक्टर का इंतजाम किया जो कि वाकई बहुत सारी नॉलेज रखते थे और बच्चों के लिए बहुत काम किया इन्होंने और बहुत खिदमत कल की इन्होंने और अल्लाह ताला के इनके हाथ में ऐसी शफा रखी है जिसके बस जी जी तो सबसे पहले तो ये डॉक्टर गुजार है मेरे जो है वो उन्होंने मेरे अपने बेटे का इलाज किया जी अल्लाह ताला ने उसको जो है वो नई जिंदगी दी और उसके बाद डॉक्टर साहब पीला बने निमोनिया का शिकार था वो और अब इस वक्त जो है वो मौजूदा तौर पे दोबारा उसके जो है वो निमोनिया का अटैक हुआ है जी। तो सिर्फ स्टार के नाम से एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाए गए हैं क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट कर रही थी तो अवेलेबल नहीं थे तो मजबूरन मुझे फिर लेके जाना पड़ा इस तरह डॉक्टर वकील के पास जी। अगर आप डॉक्टर साहब से जी मेरे बहन अगर आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन स्टार्ट कराए हैं जी तो वो सुबह शाम दे रही हैं और साथ में केलबुल ग्लोटिनियम ये सिरप पिए हैं जी और ये देती वक्त जो है बुखार नहीं पूछा और काली खांसी है उसको खांसी के साथ बिल्कुल सांस बंद कर लेता है और वॉमिट से वॉमिट और नेबुलाइज करवा रही हूँ मैं उसको। तो अगर आप डॉक्टर साहब से सवाल करना चाह रही हैं तो या अगर आप डॉक्टर साहब आप उनसे सवाल अगर करना चाह रहे हैं जी मेरा सवाल ये है कि मैं इनसे इस वक्त आया ये कि जो सेफ कार के नाम से एंटीबायोटिक स्टार्ट कराई गई है और नेबुलाइज जो है वो भी नॉर्मल सलाइन पर 20-20 ड्रॉप दिए गए हैं बाकी केलपोल है और जिमी के नाम से सीरप है मोटेलियम दिया गया है और माइटिका दे रही हूँ साथ में जी। मेरी बहन ये चल रहा है क्या आया ये सब सही है मेरी बहन आप अपने बच्चे का नाम बताएं और उम्र बता दें जी मोहम्मद इरहान सालार मोहम्मद रियान मोहम्मद इरहान सालार जी 11 माह जी बात की समझ आ गई जी डॉक्टर साहब मोहम्मद इरहान इन्होंने बताया है बच्चे की उम्र 11 महीने है जी तो ये बच्चा मैं ट्रीट कर चुका हूँ जी माशाल्लाह। इस बच्चे का ज़्यादा जो मसला है वो इसको एलर्जी है जी सीने की एलर्जी है जी तो उसकी वजह से इसका सांस भी बंद होता है कभी और खांसी भी बहुत ज़्यादा शदीद होती है तो काली खांसी भी उन्होंने बताया काली खांसी असल में इनको काली खांसी हम उसको मिक्स कर देते हैं क्योंकि उसी की तरह की ही अलामत होती हैं तो चूंकि ये आम तौर पर यही समझा जाता है कि इस किस्म की खांसी जो है वो काली खांसी ही है जी जी तो काली खांसी के अपना एक टाइम पीरियड होता है वो उसके बाद दोबारा फिर वापस नहीं होती है लेकिन ये जो एलर्जी वाले मसाइल होते हैं ये बार बार होते रहते हैं कुछ बच्चों को 15 दिन के बाद कुछ 20 दिन के बाद ये मसाइल चलते हैं और इसका जो वाहिद इलाज है वो वक्ती तौर पर है कि इनको निबुलाइज किया जाए जी एंटीबायोटिक इनका कोई ख़ास इलाज नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी बहन लाइन पे अगर आप उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं निबुलाइज के लिए वो क्या यूज़ करें ताकि उसमें उसको आसानी कोई भी अगर उनसे आप पूछना चाह रहे हैं वो लाइन पे आप पूछ सकते हैं। जी जी मैं जो नॉर्थ लाइन के 20 ड्रॉप्स हैं वो नेसल ड्रॉप्स जो यूज़ कर रही हूँ इस वक्त और क्लीनर के 20 ड्रॉप्स इस वक्त ये बशीर साहब ने ये एडवाइस किया कि आप 10 में इसको 20 पे ले आए बच्चों की जो है वो चेस्ट स्ट्रेन बहुत ज्यादा है जी बिल्कुल और चेस्ट बिल्कुल जब तक सांस नहीं आती जब तक नेबुलाइज ना कराऊं। अच्छा मेरी बहन इंशाल्लाह ये आपको डॉक्टर साहब भी बता देंगे आप कोशिश करें कि उनको थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऐसे दे कि उनके हवा ताज़ा हो कमरे में आप कोशिश करें कि थोड़ा सा आप ऑक्सीजन भी ताज़ा करें ये आपको मज़ीद डॉक्टर साहब भी इसके हवाले से बता देंगे। तो अगर और भी कुछ आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं तो फिर इस हवाले से आपको डॉक्टर साहब बता देंगे। पहले तो ये कि मैंने ये एंटीबायोटिक को मैंने एक एडवाइस दिए हैं ये 4 दिन हुए पूरे हो चुके उसके बाद फिर इंशाल्लाह कंसर्न करती हूँ दोबारा डॉक्टर साहब से शुक्र है कि अभी अवेलेबल है तो फिर जैसी एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मेरी बहन बहुत शुक्रिया।
जी डॉक्टर साहब, इस हवाले से वो कह रहे हैं कि 20 समथिंग ड्रॉप्स वो नॉर्मल स्लाइन का यूज़ कर रही है और उसमें क्लिनल ए भी यूज़ कर रही है न्यूब्लाइस के लिए। बाकी हमारी एक्चुअल जो रिकमेंडेशंस होती हैं जी, उसमें ये होता है कि जो हम उसको नॉर्मल सेलाइन कहते हैं, उसके असूली तौर पर जो WHO के रिकमेंडेशन है वो 2 cc होते हैं जी। 2 cc वो होना चाहिए, और जो हम स्टार्ट लेते हैं वो एक वेंटोलिन सॉल्यूशन आता है, बिल्कुल उसको हम 10 कतरे पहले वो डालते हैं उस नॉर्मल सेलाइन के साथ और उसको निबुलाइज करते हैं। दिन में कम से कम 3 मरतबा निबुलाइज करना चाहिए जी। और जब बात अगर इससे नहीं बनती है तो फिर हम आगे चले जाते हैं, क्लेनल या एक आटेमिक दवाई आती है उस पर चले जाते हैं। क्लेनल चूँकि स्टीराइड है तो वो हम कोशिश यही करते हैं कि उसको हम अवॉइड करें। तो दुनिया में जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं WHO की, तो पहले वेंटोलिन से ही हम स्टार्ट करते हैं। और इन ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनका जो सबसे आसान इलाज है वो ये है कि हम उस को परहेज़ की तरफ ज़्यादा ले जाएं, यानी उसके कमरे में कोई खुशबू वाली कोई चीज़ ना हो, कोई यानी कोई सिगरेट वाला या एलर्जी हो, जिससे एलर्जी हो। अक्सर हमारी माएँ बहनें क्या करती हैं कि जो ही खांसी होती है तो हमारे मशवरे होते हैं कि इसको बाम लगा दें, इसको विक्स की कोई भाप दे दें। तो विक्स और बाम जो है ये इससे चूँकि बुखारात उठते हैं और वो उस मसले को ज़्यादा करते हैं, ना कि कम करते हैं जी। बिल्कुल, तो ये आर्जी तौर पे ये मसला होता है और निबुलाइजर से काफ़ी हद तक ये मसाइल हल हो जाते हैं। बाकी एंटीबायोटिक का जब अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, वरना ये एलर्जी के मरीज़ होते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ इसी एंटी एलर्जी पर ही रखना पड़ता है। और उसके साथ साथ हम कुछ एक साशे हैं जो कि एलर्जी का उसमें ट्रीटमेंट में शामिल होते हैं, वो भी हम 3 महीने तक इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक जी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बहुत शुक्रिया शरफदारा। डॉक्टर साहब कह रहे गिड़ास कह रहे अनुन कना असीडस कॉल करे नना प्रोग्राम अटे वो तिना चुना ही कह रहे ज्ञान तू ना चुना से होना वो कह रहे द डॉक्टर ना कह रहे हमोड़े वार्ड दरे से उस और उन्हें इलाज हम करे ने वो दाम पारे कह कि वो दस माशाला जवान में सुने लेकिन वल्ला कह रहे मचे वो दे कह रहे सीना ना कह रहे इन्फेक्शन है। तो शरफदारा दा वालटे इंशाल्लाह इतके ना से कॉल असले ने अस्सलाम वालेकुम पीटीओ बोला वाले सलाम आजा वन पहला जी कना ख्वाजा देर इतके से रा के इतके से कला तनी के मकदक जी कना ख्वाजा पेन ते ना जेबाएंगा पेन ते ना नम पारे मोहम्मद साक आइटर मोहम्मद हाँ मोहम्मद इसाक मोहम्मद इसाक नुम तेना टीवी ना तवारी कम केरे कना ख्वाजा था कि नने इसका नुमा तवार केरे जवानी कर रे कम में ही उन्हें नुम सिंगा तीन आइटर जी नुम जवान हो रे कना ख्वाजे तीन आइटर तभी जवानी कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐनो ना 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 मौजू ना वाला टियन पानी खा रे जवान प्रोग्राम से साइटर छोटी मोटी दबाई बाज में नतवार नुम प्रोग्राम ना वाले टे अगर गिलास पानी खवा रे या डॉक्टर साहब अन सवाल करना पानी वाय ना बस ना बराय मेहरबानी मौली साहब मरे माशाल्लाह ओम कारी साहब ही सुनो जी ओना मिन्नतवार मरे डॉक्टर साहब नन मिन्नतवार रहे ना तुम कहता बाज में ना पाना के बाद के दा छोटी दा भाई से पार नहीं दे दे यख मन खुदा साहब की जन अंदर की जमीन है तो जो खरी का तो पर टीवी ने पाई जी तुम मिन्नतवार बस सलाम स्कूल ने तो अंत वाले टिनन में पान जी 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 बाज में नतवार कना ख्वाजे नुम कलातन फ़ोन करे रे बाज मेहरबानी। तो मुफ्ती साहब गड़ास करे नुम अमो अर्ज करे रे कुरान और हदीस ना वाले टम गड़ास मजीद अगर दा बार नुम पारे रोशनी शागे रे जी। बिल्कुल अरा के मर्ज़ बरेक दास मतलब पाप के मर्ज़ बरेक मर्ज आना ओना गुड़ा ना सोल्यूशन है हमारे जी ओ दे ख़त्म ना नमर की ना। तो ओ के दाद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाए फे अरा मर्ज़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाजिल के ओ किन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओना बंदोबस्त मोन के ओना ख़त्म मनिंग ओना दवा तीन अट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोन तिक जोड़ के एक तरिया के एक ओ पद दा मरे कि डॉक्टर असी नज़रिया मरे हकीम नज़रिया मरे बाज़े अमोना ख़त्म करनिंग ना जल्दी मालूमात मरे बाज़े मफ़क़क़। तो दा अखस के मरे ना नन कोशिश किन
कि अरा के मर्ज़ अक बरेरा हदीस शरीफ़ा तत्व अंदा दे कि नंतना डॉक्टर आते रुजू किन अरा नाना हकीमा को तबीबा को ओफ्तरी कन अरा कि नाना अमो अमन सेहत ना अरा के नाना अंत अंदा वाडा को कि नंतने अमोड़ कान सर किन ताकि नाना मोना अखस कि नने बीमारी मरे मर्ज मरे तो दिन ख़त्म करने के आलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओना सलूशन इत सुने लेकिन ओना के जरिया जोड़ करें ने सबब जोड़ करें ओना ना तबीब आते जोड़ करें हकीम आते डॉक्टर आते जोड़ करें बाज़ जवान मुफ्ती साहब डॉक्टर साहब हम आपकी तरफ आएंगे एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि आप जो खिदमत आप कर रहे हैं माशाल्लाह से एक वो कौन सा लम्हा था जिसमें आपने ये सोचा कि मैंने अब बस इंसानियत का ही खिदमत करना है और ये सोचकर वरना तो आजकल जो आला चल रहे मेडिसिन के हवाले से या डॉक्टर्स के हवाले से एक बिज़नेस बन चुका है तो उस हवाले से डॉक्टर साहब आप मुझे बता दें कि वो कौन सा एक ऐसा लम्हा था शायद आपने सोचा होगा या आपका कोई विजन होगा कि बस मैंने अब इंसानियत का ही खिदमत करना है और इबादत समझ के ही करना है तो इस हवाले से हमारे देखने वालों को हमारे माँ बहन दोस्त अजीज जितने भी हैं ताकि आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हो आप हमारे लिए जो है वो तो इस हवाले से आप अगर बलोची में हमें दो अल्फाज बता दें आप हम आपके मिन्नतवार हैं। इसी बारे में हमें सोचा कि भाई ये स्पेशली मैं सेंटिमेंट प्रोविंशियल अस्पताल है एक मैं वार्ड है जी आईने में सिर्फ इलाज करेगा हम के गजाई कमज़ोरी वाला गंडू खाए आई यानी इलाज माखने का जी 5 साल से कम उम्र वाला कुल कहते हैं हमें खर कमज़ोर हाँ कि 4 साल चुके आई ये वज़न है 5 किलो जी बाद के आई ये वज़न 20 किलो भी आई है 5 किलो 4 किलो वज़न है आई वास्ता ठीक है हाँ बीमारी है कोई सीना बीमारी है तो कात का को लाफ बीमारी है तो कात का लेकिन असल मसला आए ये खुराक की कमी है जी खुराक वास्ता कहते हैं मैं अवल ज़रूरत कहते हैं आशीरें जी माँ शीर देगा ने नहीं मैं मसला तांदा है कि भाई माँ तांदा से शीर कारों के भाई ये शीर दियो कि ये जान बची जी ठीक है गवर्नमेंट खने गए एन जी ओज तो मैं वक्ते वक्ते हेल्प करने गए लेकिन ये मसला हमें जो है कि आई के गवर्नमेंट करने गए आ सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग है और इंजेक्शन और मेडिसिन वगैरह दी गए लेकिन शीर है कोई बंदोबस्त वादा नहीं आई वास्ता कि माँ तकरीबन ये 2 साल भी गए माँ बहुत कोशिश करने का बस दोस्तों में मेहनत करेगा कि भाई मेहरबानी है कने ईशियानी वास्ता कोई हेल्प करने हमें करके भी माँ आई है 100% चुक के दाखिला आई वास्ता के इस्ते माँ वाद शीर डोनेट करेगा जी कोई हमें जो एक मरीज तो हमें डॉने के बाजार से शीर खा रही शीर हमें खर ग्रान है इतना मालूम है कि भाई ये कम अज़ कम से कम कहते हैं डब्बा 1000 रुपया डब्बा है मैं कोशिश करूँ कि हफ्त रोज दार रोज कसते दारों आई इलाज तकनूँ और आई ये गजाइत इलाज तकनूँ कि हम कहते हैं वती हिसाब वजन हिसाब कम के बराबर भी आई पता कहते हैं आई कौंसलिंग करूँ कि लोग आ कहते हैं हमें खुराक दी गई और शीर हमें उड़वा दी गई तो तकरीबन माह है नियम एक माह नियम तकरीबन 50-60 मरीज कहते हैं हमें उड़वा इलाज करूँ आई माशाल्लाह बाज़ मिन्नतवार डॉक्टर साहब शर्फदारा डॉक्टर साहब कह रहे अरा इंसानियत ना खिदमत ही करेंगे असी न कि बाज़ बलो रोल मॉडल असें तो अंदा पाइक अंदा वो मैसेज देते नेंगे कि ई के भाई अरा के गरीबिंगा मरीजा कने बरे ई कह रहे मरीजा तो इलाज के वह कह रहा पैदा मरो कन कह रहे 5 साल इसका कह रहे अरा मरीज कने बरे चुनको चुना बरे रे तो यो तो इलाज के वे वो थे कि कह रहे इंसानियत ना खिदमत ही करेंगे दानंग के ऐसे बाज बल्लू मिसाल ऐसे डॉक्टर साहब शर्फदारक के वो आता के वो कह रहे पाल इसका कह रहे होते मोइया के वो अंदा पाई की थे ना कह रहे हम करीबी असंगत कना रे अरा के कना गैदरिंग ना या अरा कने रिश्तेदार को या अंत समे तो ई ओ थे खाली अंदा पावा कि भाई नुमंदा कन तो कह रहे आवार द कसरा कन तो चलेंग बुता कि नन इंसानियत ना खिदमत किन और बेशक डॉक्टर साहब करेंगे कि अमो मरीज अकबरे रह के होते तो इच्छा मफ ओ मेडिसन अमितिक ओ पास अमितिक
यानी कह रहे असे बाज बलो कह रहे नंके रोल मॉडल असे असे बल्ला गड़ा कह रहे शरफदारा किन्नी उन्नम दा उबू कि वो इंसानियत ना खिदमत करेंगे वो हालांकि वो डॉक्टर असे वो तेना बिजनेस हम करने करे के वो तेना मेडिसिन हम बिजनेस करे के पास हम करे के लेकिन वो कह रहे सिर्फ और सिर्फ कह रहे इंसानियत ना खिदमत करेंगे और तूलो के और शरफदारा अंदुनिंगा कह रहे इंसान था अंदुनिंगा कह रहे ऐसे नने ज़रूरत है नना माशरत ज़रूरत है नना शहरत ज़रूरत है नना मुल्क ज़रूरत है और शरफदारा हकीकत ता दे कि अरा के इंसानियत ना खिदमत कह रहे अंदुन के डॉक्टर साहब दुनिंगा कह रहे बंदा हमेशा पदी मरे रहे और नना अक मरे दीनी दुनियावी नना दा अक मरे कि इंसानियत ना खिदमत मरे और डॉक्टर साहब ऐनो दाड़े बटिंग ना नुमामो ना और नुमे निशान तिनिंग ना सिर्फ मकसद अंदाज कि ओ कह रहे असी नंग के बाज बल्लो मिसाल असी इंसानियत ना खिदमत ना और अल्लाह पाक नने कोले शरफदार की दा तोहफी किते डॉक्टर साहब बरम्बर कह रहे ननम कह रहे खिदमत की इंसानियत ना नने अल्लाह पाक दा मौके ते कि नन इंसानियत ना खिदमत की इन गरीब त खिदमत की इन आस पास हमसाया कुल ना खिदमत की इन शरफदार इतना मेहमान डॉक्टर साहब ना बाज मिन्नतवार उठ के उदाड़े बस डॉक्टर साहब हम आपका बहुत शुक्र गुजार हैं कि आप यहाँ आए अपना टाइम दिया आपने बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मुफ्ती साहब नुमाम बाज मिन्नतवार के नुमरे रे तेना वक्त नने तेरे नने के रे बाज गड़ा ए ले तेरे बाजगढ़ा शरफदारा के औरों का त्याग नहीं पा रहे शरफदारा इंशाल्लाह बरो का जुमा वल्ला प्रोग्राम सिटे नन्नम तो साड़ी मरे ने इंशाल्लाह जुआनो गुफ्तगु मरे जुआनो गड़ास एल के ने अदीस ना वाले टे कुरान ना वाले टे कने आजी उनस लेडी है तेना प्रोड्यूसर जमाल तरीन तो इजाज़त तेबो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह مولاي صل وسلم